नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिहाग मुर्रा फार्म पर। और संदीप भाई के यहाँ पहुंचे, यहाँ से डाणा गांव है और जिला हिसार के अंतर्गत जो आता है। काफी अच्छे पशुपालक हैं, युवा पशुपालक हैं। आज इनकी वीडियो बनाएंगे। भाई का कल फोन आया था, मैंने वीडियो में बताया था, तो आज इनकी जो देसी गाय है वो देखेंगे कैसी है। और भाई ने बताया कि सेल के लिए है, तो कई भाइयों में फोन आते थे कि हमें देसी गाय पे काम करना है, तो प्लीज हमें देसी गाय दिखाई जाए। तो इसी चक्कर में आज संदीप भाई के घर पहुंचे हैं, तो चलिए इनसे मिलते हैं, इनका परिचय लेते हैं एक बार और इनकी जो देसी गाय है वो भी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों। तो भाई संदीप, राम राम। राम राम भाई साहब। और ठीक ठाक? बढ़िया जी। और भाई साहब एक बार अपना और इंट्रोडक्शन दे, क्या नाम आपका? विनोद जी। विनोद। हाँ जी। तो भाई साहब आपके रिलेशन में है? हाँ जी, मेरे रिलेशन में है। ये भी अच्छा गौ पालन है। अच्छा अच्छा। और आपके जो व्यूवर हैं और सब्सक्राइबर हैं उनको मैं हाथ जोड़ के राम राम। बहुत बहुत संदीप भाई धन्यवाद आपका। तो भाई एक बार तो अपना एड्रेस बताएं। मेरा गांव का नाम है जी बीपीओ डाणा खुर्द जी, और तहसील आसी जिला हिसार जी। जी। नाम संदीप यादव जी। जी। नाम संदीप यादव है भाई का, जिला हिसार के अंतर्गत इनका जो डाणा खुर्द है वो गाँव आता है। तो भाई संदीप, आज आप लगभग गोवंश पर काम करते हैं, गोवंश ही ज्यादा रखते हैं, तो आज हमारी भी इस वीडियो के लिए क्या कुछ है वो बताए सबसे पहले। जी ऐसा है, मैं एक गोवंश का एक मुहिम चलाई है जी, ताकि हर घर में एक गोपालन हो जी। जी। और इसके कारण हजारों तो बीमारियां दूर हो रही हैं जी। जी। और हमारी इनके साथ है, सेवा तो होगी जी बिल्कुल, और हमारी जो बीमारियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी जी। जी। ठीक है, तो आज इस गाय के बारे में बताएं एक बार सबसे पहले। ये है जी प्योर हरियाणा जी, बिल्कुल प्योर हरियाणा, देख सकते हैं आप, काफी शानदार गाय। सेकंड बार भी आई है जी ये। अच्छा, दूसरी बार डिलीवरी दी है? हाँ जी, दूसरी बार डिलीवरी दी है। और ये मैं बता दूं, ये जो चीज होती है टूई बोलते हैं हमारे हरियाणवी में, ये मेन चीज होती है। मतलब देसी गाय, जो आप देसी का मतलब ही जो हमारे देश में जन्मी है, हमारे देश की ब्रीड है, वो देसी है, और जो देसी है उसके टूई जरूर मिलेगी आपको। ठीक है, तो भाई संदीप इस गाय के बारे में और बताएं थोड़ा। ये जी सेकंड बार भी आई है जी। अच्छा, दूसरी बार लैक्टेशन में? इसको 3 दिन हो गए जी ब्याह हुए। 3 दिन हो चुके हैं इसको। क्या तारीख होगी आज? शायद 13 होगी। 13 तारीख हो गई जी। तो भाई ये 10 तारीख को ब्याही थी, 11 तारीख को ब्याही थी। अच्छा, 11 तारीख को इसने डिलीवरी दी थी, आज लगभग इसको 2-3 दिन हो गए हैं। तो भाई साहब सेकंड लैक्टेशन, हाँ बिल्कुल शांत, आप देख सकते हैं काफी शांत गाय हैं बिल्कुल। और सेकंड लैक्टेशन में भाई ने बताया, तो दूध वगैरह का क्या कुछ है भाई संदीप? दूध भाई अब इसको 9 किलो तैयार है जी। अब फिलहाल 9 किलो तैयार है जी, और 9 किलो दूध तैयार है जी। जी, तो आप देख सकते हो इसकी शराफत बिल्कुल बहुत ही शांत है। एक मैं कहूंगा, अगर कोई भाई घर के लिए इसे परचेज करना चाहे, बिल्कुल शरीफ गाय है, कोई बहुत ही शानदार। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे व्यवहार के साथ ये गाय बहुत ही शानदार। तो भाई संदीप इसके पहले लैक्टेशन में क्या कुछ रिकॉर्ड रहा बताना चाहेंगे? भाई हमने तो इसको खरीद के लेके आए हैं भाई। अच्छा, आप खरीद के लेके आए इसको? तो उन्होंने इसकी देखो ये जो कान की है ना मुर्की निकाली थी भाई, वो बोले भाई हमको जमा करानी पड़ती है जी। जी ठीक है जी। और उसने बताया इसको पहली बार में 12 किलो 400 ग्राम। अच्छा, 12 किलो 400 ग्राम पहले ब्याज में 12 किलो 400 ग्राम HLD में रिकॉर्ड कराया जिसने जी। जी HLD भी रिकॉर्डेड है भाई साहब, बताना चाहूंगा मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं। निकाल ली थी इसकी भाई, हमको जरूरत है जी। जी तो चलो कोई बात नहीं भैया, हमारी कही। चलो कोई बात नहीं। हाँ। तो भाई आज ये सेल के लिए उपलब्ध है? हाँ जी, सेल के लिए उपलब्ध है। तो इसका क्या कुछ दाम है बताएं थोड़ा एक बार? ऐसा है भाई साहब के फोन पे ही बता देंगे। अच्छा, फोन पे बताओगे? हाँ जी। नहीं थोड़ा बहुत तो अंदाजा, मतलब क्योंकि कमेंट सेक्शन में कई भाइयों को दिक्कत आती है, जो लेना चाहते हैं वो अपनी तसल्ली कर लेते हैं वीडियो देख कर ही, तो थोड़ा बहुत बताएं। इसके है जी 47,000 रूपए। 47,000 रूपए तो प्राइस पे देंगे जी। जी भाई जमींदार लेगा जी, पहले वाली बात है उसको लिए विशेष छूट है जी बिल्कुल। तो 47,000 भाई ने इसका रेट बताया, बहुत ही शानदार। तो ये सेकंड जो गाय है आपकी, इसके बारे में और बताएं भाई? और ये भी सेकंड बार भी आई है? ये भी दूसरी बार भी आई है, ये देखिए ये 12-13 दिन की ब्याही होगी भाई साहब, इसकी हाइट लेंथ बहुत है जी। हाँ, ये 12-13 पर क्रॉस है ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल थारपर में है जी। जी और ज्यादा थारपरकर में है, और मतलब देसी क्रॉस है बिल्कुल, देख सकते हैं मेरे व्यूवर्स। और लगभग 12-13 दिन की सर ने बताया, हाइट फुल है जी। जी हाइट देख सकते हैं दोस्तों, काफी और अच्छी ये है, शांत स्वभाव की बहुत है। ये देखिए बिल्कुल शांत है ये गाय भी, काफी टैंक पकड़ के कैसे कर। तो भाई ये भी दूसरे लैक्टेशन में? हाँ जी, ये भी दूसरे लैक्टेशन में। तो इसका क्या कुछ रिकॉर्ड है भाई बताएं थोड़ा एक बार? दूध वगैरह इसका तो HLD में नहीं लगी हुई भाई साहब। अच्छा, आप अपने घर पे इसके नीचे 11 किलो दूध है जी तैयार? आप फिलहाल 11 किलो दूध है? 11 किलो दूध। तो दोस्तों बताना चाहूंगा काफी अच्छी कदकाठी की ये देसी थारपारकर मिक्स गाय है, और लगभग 11 किलो दूध सर ने बताया कि इसका तैयार है। लेकिन जो हाइट देख सकते हैं काफी अच्छी है, लेंथ भी काफी अच्छी, चेहरा बहुत ही शानदार।
तो देखिए काफी शानदार, तो दोनों के नीचे बच्चियां भाई साहब। जी जी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, दोनों के नीचे बच्चियां हैं। इसके नीचे प्योर हरियाणा है, माफी प्योर हरियाणा, बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी प्योर हरियाणा है, ये देखिए प्योर हरियाणा है। इसी जो गोवंश है इसकी ये बच्ची है, और ये जो बच्ची है ये उसकी है, नहीं देख सकते, ये अलग गाय की है जी। अच्छा अच्छा, उसका नहीं है बच्चा, नहीं नहीं ये अलग गाय की है। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी, थोड़ी चंचल है, मैं मंगलपुठी से लेके आया था इसको। जी जी, तो ये अलग है भाइयों, अगर कोई गोवंश पालने के लिए है जी, उसको कोई प्राइज नहीं होगा। अच्छा, ये अच्छा। उसको फ्री पालने के लिए दी जाएगी। अच्छा, तो भाई मैं बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को, ये एक भाई की एक मुहिम है कि एक अच्छा गोवंश हो सबके घर में, इसी कारण भाई ये लेके आए थे। और जिस भी भाई को अच्छे गोवंश पे काम करना है तो भाई बिल्कुल फ्री उसको देंगे, एक मतलब भाईचारे की ओर से एक अच्छा गोवंश बढ़ाने के लिए। कोई गौ सेवा करने वाला होगा ना, जी जी, तो उसको देंगे भाई। ब्रीडर मिस्टर को फोन करके तंग ना करे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई उस गाय के नीचे ये बच्ची है। हाँ जी, उस गाय के नीचे ये बच्ची है, उसके नीचे ये है। ये देखिए, ये भी काफी शानदार, तो देख सकते हैं। तो उस गाय का रेट बताएं भाई एक बार। उसका 40,000 रुपए। 40,000 रुपए, हाँ जी। तो इसका 40,000 रुपए बताया भाई ने, 40,000 रुपए इसको जो बिक्री की कीमत है वो है। और दोनों की दोनों बिल्कुल शरीफ है। हाँ बिल्कुल शरीफ है, ये देखिए, ये देखिए बहुत ही शरीफ। अगर मैं बताना चाहूंगा मेरे दर्शकों को, कोई भाई अगर काम करना चाहता है गोवंश पर, घर के लिए ले जाना चाहता है, क्योंकि कई बार फोन आते कि देसी गाय चाहिए अच्छे दूध की, लेकिन शरीफ हो, व्यवहार बहुत ही अच्छा हो, तो उन भाइयों के लिए काफी अच्छी गाय है। ये देख सकते हैं बहुत ही शरीफ। तो चलिए संदीप भाई से भी थोड़ी और बातें करते हैं। तो संदीप भाई एक बार हमें बताएं कि अब आपके पास दो गोवंश हैं। हाँ जी। तो अब मुर्रा में आपने बताया कि भैरव की कटड़ी हो, मैंने वीडियो डाली अपने चैनल पर, वो भी भैरव की वीडियो, वो भी काफी शानदार। तो आगे क्या कुछ उम्मीद रहेगी, कुछ फर्क पड़ा मतलब यूट्यूब पे आने के बाद, मतलब थोड़ा बताएं। बिल्कुल फर्क पड़ा है जी। जी, यूट्यूब से एक तो नया आदमी जुड़ता है जी, जी, जी। और उसको ये पता लगता है भाई अब हरियाणा में गोवंश ज्यादा बढ़ गया है जी, और मुर्रा पे बहुत ज्यादा युवा बच्चे काम कर रहे हैं। जी जी, ठीक है जी। और तो बताया काफी अच्छा सहयोग बढ़िया है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिससे हम कुछ भी जागरूकता ला के सकते हैं। अगर अच्छी चीज है तो उसकी जागरूकता बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो देखिए संदीप भाई के घर और भी है, एक मुर्रा है, एक वहां है, एक ये भैरव अपने कुंगड़ की, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, ये भी बहुत शानदार। तो ठीक है भाइयों, सभी भाइयों को नमस्कार, और अनुरोध है सारे भैया थे प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने सपोर्ट करें चैनल को। और मैं बताना चाहूंगा अपने बड़े भाई हैं संदीप यादव, इनकी तरह थोड़ा पशुपालन करें, ताकि आगे जाकर मतलब एक तो थोड़ा बीमारियों से दूर रहूंगे, क्योंकि देसी गोवंश ऐसी चीज है, ऐसा अमृत है, इसका दूध पीने से मतलब आदमी स्वस्थ रहता है बिल्कुल, इसके टच में भी रहेगा तो बीपी वगैरह की दिक्कत कम रहेगी। तो या तो मुर्रा पर काम करें, गोवंश पर काम करें, लेकिन संदीप भाई दोनों पर काम करें, काफी अच्छे पशुपालक है, बहुत ही शानदार। तो संदीप भाई आपको शुभकामनाएं मेरी ओर से, आप आगे चलकर बहुत ही एक अच्छे ब्रीडर के रूप में उभरें, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। ठीक है जी, आपके वीडियो देखने वाले जी, जी धन्यवाद। ठीक है भाई, नमस्कार, और अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। सारे भैया का धन्यवाद वीडियो देखने खातिर। ओके भाई, नमस्कार।